में मून वाला नहीं सिर्फ स्टार वाला ही लाइट करेगा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, रमज़ान DIY डेकोर का वीडियो तो हमने आप लोगों से शेयर कर दिया है, लेकिन डेकोरेशन का वीडियो शेयर करना बाकी रह गया है। तो डेकोरेशन के लिए कुछ प्रोडक्ट हमने ऑनलाइन खरीदे हैं और कुछ हमें इंस्टाग्राम पेज से गिफ्ट भी भेजा है। तो मैंने सोचा चलिए उसका वीडियो आप लोगों से पहले शेयर कर देते हैं और फिर इसके बाद हम आप लोगों से डेकोरेशन का वीडियो शेयर करेंगे। एक एक करके दिखाते हैं कि हमने क्या क्या प्रोडक्ट बाय किए हैं। तो पहला जो प्रोडक्ट हमने लिया है यह है टी लाइट कैंडल। तो ये थोड़ा हमें यूनिक लगा, ये प्लास्टिक का है, उसके साथ कैंडल अटैच है। ये बैटरी वाली जो कैंडल आती है छोटी वाली, वो अटैच है। ये बड़ा अच्छा मुझे लगा कि हमने इसको बाय करा और प्राइस भी इसका हमें बहुत सही लगा। एक कैंडल लिया है। देखिए, डेकोरेशन का सबसे अहम पार्ट जो होता है ना, वो है लाइट्स, किस तरह की आप चूज कर रहे हैं, क्योंकि उसी लाइट से ना आपका डेकोरेशन उभर कर आता है। टाइप का ना मेरे पास टच लैंप रखा हुआ था, तो उसको मैच करते हुए हमने इसको बाय करा है। इससे भी मैच हो रही है। अब रमजान का डेकोरेशन है तो मून स्टार वाली लाइट लेना तो बनता ही है। इस बार ना हमने मून वाला नहीं सिर्फ स्टार वाला ही लाइट खरीदा है। तो ये स्टार हैंगिंग लाइट लिया है। ये लाइट एज सच कुछ नई तो नहीं है, कॉमन ही है, काफ़ी सालों से इसको लोग यूज़ करते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि रमज़ान का डेकोरेशन है तो इस टाइप की लाइट लेना तो बनता ही है। तो इसको जब हम डेकोर करेंगे ना, तब ऑन करके दिखाएंगे इसका लुक। इसके अलावा ना ये गोल्डन शेप का थ्रेड कर्टेन लिया है डिवाइडर में डालने के लिए, सेट ऑफ टू। प्राइस बहुत सही है इसका, काफ़ी सस्ते में ये हमको मिल गया। एक ये वॉल स्टिकर लिया है। रमजान करीम लिखा हुआ है। इस वॉल स्टिकर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है ना कि आपकी वॉल नहीं खराब होगी, इसलिए आप इसको रिमूव कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसका रीयूज भी कर सकते हैं। बाकी ये एक कुरान बॉक्स है, इसका ऑलरेडी हमने रील इंस्टाग्राम पर अपने शेयर किया हुआ है। ये सॉलिड मेटल का बना हुआ है, इसके नीचे साइड तस्बीह होल्डर भी दिया गया है, पीछे साइड हुक दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत ये प्रोडक्ट हमें लगा। सच में इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि कुरान शरीफ हमें बार बार पढ़ना होता है। इसको वॉल पे लगाने से क्या बेनिफिट होगा ना, कि थोड़ा सा आसान हो जाएगा उठाने और रखने में। अगर आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा हाई एक्सपेंसिव है लेकिन वर्थ है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। इसके ऊपर ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। अब हम आपको इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। इसको ना तुबरा आर्ट्स वालों ने हमें गिफ्ट भेजा है। पहले हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे, उसके बाद ये बड़ा वाला बॉक्स ओपन करेंगे। तो दोनों ही बॉक्स में बहुत ही खूबसूरत आइटम आया हुआ है रमज़ान के लिए। चलिए अब इसे खोल के दिखाते हैं। एक ये एक्रेलिक का रमजान करीम इसमें लिखा हुआ है, वाइट शेड में है। इसको इस तरीके से इसमें प्लेस करना है। इसके ऊपर ना पॉलीथीन लगी हुई है, तो इसको हम डेकोरेशन के टाइम ही रिमूव करेंगे। इसके अलावा एक ये मदीना इन्होंने भेजा है हमें, इसको गाड़ी में लगाया जाता है। नीचे साइड स्टिकर लगा हुआ है, रिमूव करके फ्रंट में इस तरह से स्टिक किया जाता है। ये सॉलिड मेटल का बना हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, बहुत ही खूबसूरत। देखिए इस तरीके से इसको इसमें प्लेस करना है। इसके अलावा एक ये एक्रेलिक की ट्रे है खजूर रखने के लिए, इसमें लिखा हुआ है रमजान करीम। इसके पीछे साइड में एडहेसिव लगा हुआ है, इसको रिमूव करना है और इस तरीके से स्टिक कर देना होगा। तो अभी फिलहाल के लिए कुछ इस तरह से हम आपको शोकेस कर दे रहे हैं, बाकी जब डेकोर करेंगे ना तो इसका लुक अलग ही आएगा, क्योंकि इसमें ना पॉलीथीन लगा हुआ है, इसको रिमूव करेंगे ना तो ये अट्रैक्टिव लगेगा। बहुत ही खूबसूरत सॉलिड एक्रेलिक शीट पे ये बना हुआ है और इसके पीछे साइड ना स्टिकर लगा हुआ है, इसे हमें रिमूव करना होगा। तो इस तरह से इसका पूरा स्टिकर निकाल देना है, उसके बाद ना इसको
अब ये वाला स्टिकर निकालना है। देखिए इसका स्टिकर बहुत ही इजीली रिमूव हो जाता है। और मेक श्योर इसको ऐसे डस्टबिन में ना फेंकें, इसको जला दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे अगर फेंक देंगे तो गुनाह पड़ेगा। डोआ लिखी गई थी ना, उसी पे ये पेस्ट था, तो मान के चलिए कि ये डोआ ही है, इसको हम जलाने वाले हैं, ऐसे नहीं फेंकेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये ग्लास का बना हुआ है ना, इतनी फिनिशिंग है, ये बेस्ट क्वालिटी का इसमें एक्रेलिक शीट यूज़ करा गया है। और इसको जब हम वॉल पे डेकोर करेंगे ना, तो हमारी वॉल और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। चलिए लगा के दिखाते हैं। एक ये लास्ट उन्होंने भेजा है एक्रेलिक का मून और स्टार, पीछे इस तरह से एडहेसिव दिया गया है, तो इसको भी जब हम डेकोर करेंगे ना, तभी इसका लुक निकल के आएगा। ये कुछ इस तरह से है पीसेस में, और इसको आप कैसे भी करके डेकोर कर सकते हैं वॉल पे। और इसी के साथ हम आपको अब दिखाते हैं अपना ये लास्ट प्रोडक्ट, ये है अगारो सिग्निफाई का हैंडल गारमेंट स्टीमर। देखिए सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसको परचेज मैंने क्यों करा है, क्योंकि नॉर्मल जो आयरन होता है ना, उसको करते टाइम मेरे बैक में पेन होने लगती है, क्योंकि उसे झुक करके करना पड़ता है। और इसको लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है ना, कहीं पर भी इसे लगाकर आप यूज़ कर सकते हैं, टेबल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात ये, मल्टीपल टाइप ऑफ फैब्रिक में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अब चलिए बताते हैं इसको किस तरह से यूज़ करा जाता है। हैंडल के पास आपको ये स्विच मिल रहा है, नीचे साइड एक प्लास्टिक का वाटर टैंक दिया गया है, जो कि 260 ml आप इसमें पानी को डाल सकते हैं। और पता है यूज़ करने के बाद जब पानी इसमें से ख़त्म हो जाएगा ना, तो ये ऑटो कट हो जाएगा। एंड मेक श्योर पावर बटन को ऑन करने के बाद आपको इसे टिल्ट नहीं करना है। इसमें ना हैंडल के पास स्विच दिया गया है, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो इसमें से स्टीम निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यूअसली स्टीमर का यूज़ करना चाहते हैं, तो इस स्विच को डाउन साइड कर दें और ये ऑटोमेटिकली स्टीम निकलता रहेगा। और ये देखें इसके साथ क्या ज़बरदस्त इसमें से स्टीम निकल रहा है। एंड इसी के साथ आपको दो अटैचमेंट्स मिल रहे हैं, टेंट हेड और ब्रश हेड। टेंट हेड का यूज़ सिंथेटिक कपड़े में करा जाता है, और ब्रश हेड का यूज़ कॉटन कपड़े में करा जाता है। तो यहाँ पर हम आपको अपना रेयॉन फैब्रिक पर डेमो करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसा मटेरियल होता है ना कि इसमें ही सबसे ज़्यादा रिंकल्स पड़ते हैं, जिसको हम बिना आयरन के नहीं पहन सकते। अब आप जिस भी फैब्रिक को रिंकल्स फ्री करना चाहते हैं, इस तरीके से हैंगर में कर लें और ऊपर से नीचे डायरेक्शन में इसका यूज़ करते जाएं। यू कैन सी रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा, नॉर्मल जो आयरन होता है ना, उसमें टेम्परेचर को हाई लो करना पड़ता है, बट ऐसा इसके साथ बिल्कुल नहीं है। अब आपके मन में चल रहा होगा इतना ज़्यादा इसमें से स्टीम निकल रहा है तो फैब्रिक में मॉइस्चर आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉइस्चर फ्री, रिंकल्स फ्री, और आप भी टेंशन फ्री। और हाँ, स्टीमर को यूज़ करने से पहले आप लोग ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा, वो इसके साथ आपको मिल जाएगा। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से मिनटों में रिंकल्स फ्री कपड़ों को कर देता है। अब सोचना क्या है, अगर आप भी इसे बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वहाँ से जा करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, आज हम आपको मिलाने वाले हैं अपने बहुत ही खास फ्रेंड से। एक्चुअली काफ़ी टाइम से हम उसको इनवाइट करने को सोच रहे थे, लेकिन मौका ही नहीं लग पा रहा था। एक के बाद एक कोई ना कोई काम आता जा रहा था, जिसकी वजह से डिले होता गया। तो मैंने सोचा चलो भाई, रमज़ान शुरू हो जाएगा, उससे पहले हम उसको इनवाइट कर लेते हैं। और उसके लिए ना मैंने स्पेशली बनाया है प्योर वेजिटेरियन फूड। नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाती, ना ही वो और ना ही उनके हस्बैंड। बहुत ही प्यारी स्वीट सी फैमिली है, और वो खुद भी इतनी ज़्यादा स्वीट, डाउन टू अर्थ है कि हम आपको आगे बताएंगे ही। वैसे तो आप सभी उनको जानते ही होंगे। पता है दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम आप सभी से एक मैसेज देना चाहेंगे कि आज के टाइम पे इस रिलीजन को लेकर के इतना ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कास्ट वास्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, सब दुनिया में आने के बाद बढ़ गया है। देखिए मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है ना, उसका मिजाज, मतलब बिहेवियर, उसका व्यवहार कैसा है। क्योंकि अच्छे इंसान की पहचान ना उसके नेचर से होती है, चाहे वो बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो। और रही बात रिलीजन की, तो भाई सबके रिलीजन की एक अलग रिस्पेक्ट है। तो इसलिए बस हम इतना सा मैसेज देना चाहते हैं कि इंसान अच्छा होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तो इस तरह से दोस्ती फिर सदाबहार रहती है। अब आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लंच पर हमने बुलाया था, फाइनली हमारा लंच रेडी हो चुका है, वो आ गई है। हाँ,
आए थे एंट्रेंस पे, तो वहीं से आपको सब डेकोर सब पता चल गया था, तो आपके नंबर की जरूरत नहीं थी, नंबर प्लेट की जो है ये बोले कि यही है, मतलब डेकोर है पूरा था, ये यही है आपको वही देख, नहीं काफी अच्छा है भी, बिल्कुल अलग लग रहा है कि मतलब सही बात, थैंक यू सो मच। जो है अब दिखे ना दोस्तों, उस दिन आदिया हमारे घर फर्स्ट टाइम आई और कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो मेहमान है, मतलब हम किचन में आए, कचौड़ी तलने को रह गया था, मैंने सोचा था गरम गरम हम तलेंगे, तो वो भी आकर के हमारी हेल्प कराने लगी। मतलब इतनी फेमस क्रिएटर होने के बाद भी डाउन टू अर्थ रहना बहुत बड़ी बात है। और खाने में हमने बनाया था दम आलू, शाही पनीर, कलौंजी, कचौड़ी, दही बड़ा, कस्टर्ड, पुलाव। मेहनत तो हमारी तब शुरू हुई जब खाना सबको पसंद आया, और खासकर उनके हस्बैंड इतना ज़्यादा खुश मिजाज टाइप के लगे हमें, लंच करने के बाद अब यहाँ पर रील शूट करने की बारी आ गई है, तो स्क्रिप्ट बताया जा रहा है किस तरीके से हमें एक्ट करना है। अरे बहुत देर कर दी आती है, अरे तो ऐसे थोड़ी ना पहले वाले की तरह कि बस तुमने फोन और इस तरह से उस दिन कैसे टाइम निकल गया बिल्कुल भी पता नहीं चला, सच में बहुत मजा आया था। चले बहुत देर हो गई, घर पहुंचने में भी टाइम लगेगा, अरे नहीं जाने का मन तो नहीं कर रहा है, इतना अच्छा लगा, लगा ही नहीं कि मतलब पहली बार आए, हाँ लेकिन जाए तो घर इतना अच्छा आपने सजा रखा, ऊपर से खाना इतना अच्छा, शुक्रिया बहुत अच्छा लगा, बस अब जल्दी से दोबारा बुलाइएगा। तो चलिए फिर जा रही है, ये इनका नाम है आद्या श्रीवास्तव, इंस्टाग्राम पे ये बुआ जी के नाम से इनका कंटेंट आप लोगों ने देखा ही होगा, जो बेहतरीन कॉमेडी करती हैं। अब हमारे साथ इनका एक अच्छा सा वीडियो शूट हुआ है, तो उसका रील हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए फिर आते हैं, मिलते हैं, ओके। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, मजा आ गया हमको भी, बढ़िया आपने खातिरदारी करी, बहुत जबरदस्त, आप लोग आने से एकदम गुलजार हो गया घर हमारा, नहीं अब आप लोग जल्दी जल्दी होली भाई, अरे एकदम मजा, और क्या होली के बाद फिर ईद पड़ेगी, हम लोग ईद मिलेंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा मामला, और जो आपने को खिलवाया है कस्टर्ड, अगर वो जाते जाते मिल जाए, बिल्कुल होता ही है, कभी भी कस्टर्ड ले जाए, बिल्कुल चलिए, आपको भी मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, हमें सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिएगा, है ना ऋषभ ब्लॉग, देखना है आप लोग को थोड़ा सा भी और इंटरेस्ट है उसको फॉलो कर लीजिए। अच्छा आप ब्लॉग बनाते हैं? नहीं कोशिश है, बुआ के सामने तो कि हमारे वो नहीं, अच्छा हाँ मैंने देखा आप भी फिल्मी टाइप हैं। नहीं थोड़ा बहुत, पूरा हीरो, पूरा हीरो कट है आपका, है तो आशीर्वाद सब लोग का बना रहे, दो चार ठुमके लगा के हम कुछ कर ले, चलो तो चलो फिर इंशाल्लाह ईद से वहीं खिलाते हैं, नहीं उल्टा लगा। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताइएगा, और हाँ इस रील को देखना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।